आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। कहती है इंसानियत जितने है इंसान एक है, आज हम स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंसान तो फिर हिंदू मुसलमान एक है। ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पख्तूनों के प्रमुख नेता गफ्फार खान रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। 1920 में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जिला खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसका भरोसा साम्राज्यवाद विरोधी अहिंसक आंदोलन में था। हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है, खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। यह बदकिस्मती ये है दुनिया में और हिंदुस्तान में, अगर आप देखें मखलूक जो है मुसलमान मखलूक मुसलमान को समझता है, हिंदू मखलूक हिंदू को समझता है, ईसाई मखलूक ईसाई को समझता है, यहूदी मखलूक यहूदी को समझता है। हम उनको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब जो है ये सब खुदा के मखलूक। लोगों के बीच खुदाई खिदमतगार लोकप्रियता के कारण औपनिवेशिक सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर दमन की कार्रवाई तेज कर दी। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। जून 1947 में खान और अन्य खुदाई खिदमतगार नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए औपचारिक रूप से बन्नो प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि पश्तूनों को स्वतंत्र पश्तूनिस्तान में रहने का विकल्प दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खान और उनके बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1947 के जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। अगर पहचान सुख तो काम रहमान। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे भारत से बाहर के पहले व्यक्ति थे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम राष्ट्रवादी तेज बहादुर सप्रूख को भी याद कर रहे हैं। 20 जनवरी 1949 को उनका निधन हुआ था। पेशे से वकील सप्रूख भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तेज बहादुर सप्रू ने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने तथा कथित वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली उपलब्ध करवाने वाले कम्युनल अवार्ड के विरोध में उपवास शुरू किया। पूना समझौते के पीछे सप्रू भी थे, जिसके तहत कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया गया था। इसके बाद ही गांधी जी ने उपवास खत्म किया। गांधी जिन्ना वार्ता असफल हो जाने के बाद सप्रू को न्यायिक दायरे में सांप्रदायिक मुद्दे की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
उन्होंने सभी सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधियों से समिति के लिए 29 सदस्यों का चयन किया और राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के प्रयास में वॉयसराय लॉर्ड वेबल को प्रस्ताव सौंपे। समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया था और संवैधानिक सिफारिशों के औचित्य पर प्रकाश डाला गया था। विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्रो समिति ने पाकिस्तान के गठन को टालने का आग्रह किया था। सप्रो 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह के मुकदमे के दौरान बचाव समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 जनवरी 1949 को तेज बहादुर सप्रो का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ।